अरे ये क्या हुआ। कुछ ऐसी ही आवाज आई आज विधायक दल की बैठक से मध्य प्रदेश के नए सीएम का नाम अनाउंस होते ही। नाम भी ऐसा कि जिसने मध्य प्रदेश की पारंपरिक सियासत में हलचल ला दी है। तो मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। विधायकों के साथ ही खुद मोहन यादव के लिए भी यह घोषणा चौंकाने वाली रही है, क्योंकि मोहन यादव का नाम सीएम की रेस में दूर दूर तक शामिल नहीं था। खैर, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा जैसे दिग्गज आज मध्य प्रदेश सीएम की रेस से पिछड़ गए और मोहन यादव एमपी के नए मुख्यमंत्री घोषित हो चुके हैं। दरअसल मोहन यादव का नाम कैलाश विजयवर्गीय ने सुझाया था, संभवतः आलाकमान ने तो इस पर पहले ही मोहर लगा दी थी, तो विधायकों ने भी इस नाम पर सहमति जता दी है। उज्जैन के रहने वाले मोहन यादव तेज तर्रार हिंदूवादी छवि वाले नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी भी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश सीएम के फैसले पर आलाकमान ने 2024 के आम चुनाव को देखते हुए सोशल इंजीनियरिंग का भरपूर प्रयोग किया है और कहीं ना कहीं ओबीसी फैक्टर को साधने का भी प्रयास किया है। एमपी की 52% आबादी ओबीसी है। मोहन यादव युवा भी हैं और गत शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र के काफी करीबी रहे हैं और शायद इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आलाकमान ने यह फैसला लिया है। आलाकमान यहां हिंदूवादी बेदाग छवि वाले नेता की तलाश कर रहे थे और मोहन यादव उस सांचे में परफेक्ट बैठते हैं। इसीलिए एमपी में मोदी के विजय रथ की कमान संभालने के लिहाज से भी मोहन यादव की मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी की गई है। उज्जैन के दक्षिण सीट से मोहन यादव ने जीत हासिल की है। लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर उज्जैन दक्षिण सीट पर कब्जा किया है। मोहन यादव 2013 में पहली बार विधायक बने थे, शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो आखिरकार मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की घोषणा ने सभी को चौंका दिया है। तमाम टीवी चैनल्स और अखबारों के आकलन धराशायी हो गए और चुनाव जीतने के 9 दिन बाद गहन मंथन के बाद एमपी सीएम के नाम से सस्पेंस आज खत्म हो गया। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही अब राजस्थान में भी हलचल तेज हो गई है। यहां भी आधा दर्जन से ज्यादा नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहां सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वो इसलिए कि अगर किसी नए चेहरे को सीएम घोषित होने के बाद वसुंधरा राजे यहां अपनी कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया दे तो क्या होगा, क्योंकि भले ही हाल ही में बाड़ेबंदी जैसी खबरों का वसुंधरा ने खंडन किया हो, लेकिन उनके पास विधायकों की आवाजाही निरंतर बरकरार है और खबरें ये भी है कि वसुंधरा से 50 से ज्यादा विधायक संपर्क में है। एमपी के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला कल विधायक दल की बैठक में होना है और बीजेपी के साथ ही राजस्थान के अवाम को भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऐलान का इंतजार है। हालांकि सीएम पद की रेस में राजस्थान से वसुंधरा राजे के अलावा अश्विनी वैष्णव, सीपी जोशी, ओम बिरला के नाम भी चले हैं, लेकिन इस फैसले के बाद, मध्य प्रदेश सीएम के फैसले के बाद, लगता है कि तमाम कयास रखे रह जाने हैं और राजस्थान में सीएम का ऐलान भी बीजेपी आलाकमान की मर्जी से ही होगा। ऐसा नेता जो तेज तर्रार के साथ ही हिंदूवादी छवि वाला हो, साथ ही अनुभव भी रखता हो। खैर, चुनावी चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।